नमस्कार बच्चों, वोकैबुलरी में आज हम एक वर्ड देखते हैं, नॉवल। ठीक है, नॉवल आपने सुना होगा, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस के आगे ये नॉवेल वर्ड लगा होता है। ठीक है, कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे या कहीं पे, तो नोवेल कोरोना वायरस, इस नोवेल का मतलब क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ओके, ठीक है, समझते हैं। ये जो नोवेल होता है, ठीक है, नोवेल होता है, थोड़ा इसको इस साइड लिख देता हूं मैं, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, जो आप सबने सुना होगा, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। नोवेल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो भैया? नोवेल पढ़ रहे हैं, नोवेल उपन्यास। ठीक है, दूसरा इसका मतलब होता है न्यू, नया। ठीक है, यहां पे मैं नोवेल और उसके साइनोनिम पर्यायवाची लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा उनके विलोम शब्द। तो जो ओल्ड ना हो, जो पुराना ना हो, ठीक है, नया, कोई नई चीज होती है तो उसके लिए हम नोवेल बोलते हैं, नोवेल। ठीक है, जैसे फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा ताजा। ठीक है, तो फ्रेश का मतलब बेसिकली कुछ ऐसी समथिंग न्यू, जो नई हो। ठीक है, इसका एक ऑपोजिट होता है ट्राइट, ट्राइट का मतलब घिसा पिटा, घिसा पिटा। ठीक है, ओके, जैसे मान लो आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो आप, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, रोज आलू टमाटर की सब्जी या फिर कोई एक सब्जी बनती रहती है। ठीक है, हाँ, और फिर दाल पीली, तो कहते हैं कई बार, अरे खाने में बोर हो गए, वही घिसा पिटा खाना मिल रहा है। तो घिसा पिटा खाना जो होता है, वो होता है ट्राइट, TRIT। ठीक है, ट्राइट। आप बोलो कुछ फ्रेश बनाओ, कुछ नया बनाओ, कुछ न्यू बनाओ, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, फिर है डिफरेंट, DIFFERENT, कुछ समथिंग, कुछ अलग से हो। जैसे नहीं बोलते रोज रोज आलू टमाटर खा के हम पक गए हैं, ठीक है, रोज रोज आलू टमाटर खा के हम पक गए हैं, कुछ डिफरेंट बनाओ। ठीक है, कुछ डिफरेंट बनाओ, कुछ अनकॉमन बनाओ। ठीक है, कुछ अनकॉमन बनाओ, क्योंकि कॉमन चीजें खा खा के मैं थक गया हूं। जैसे बोलते भाई रोज आलू टमाटर खाते हैं, कुछ अनकॉमन बनाओ, कुछ डिफरेंट बनाओ, कुछ फ्रेश, कुछ न्यू, लगभग एक ही मीनिंग है इनके, न्यू, फ्रेश, डिफरेंट, अनकॉमन। ठीक है, यहां पे आप देखो तो पुराना, बासा, घिसा पिटा, कॉमन या प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, तो बोलते नहीं, सिंपल सादा खाना खाते खाते मैं पक गया हूं, अब मैं बाहर जाऊंगा और रेस्टोरेंट में अच्छी सी सब्जी खाऊंगा। ठीक है, रोज रोज मैं ये आलू गोभी खा खा के पक गया हूं, फूल गोभी आते हैं तो फूल गोभी बन रहे हैं, तो पक जाते हैं कभी कभी। तो प्लेन, सिंपल, कॉमन, ट्राइट और ओल्ड, ये सारे एक ही मतलब है। सिंपल का मतलब सिंपल, सादा सी चीज, प्लेन का मतलब बिल्कुल प्लेन, कुछ अलग नहीं हो। जैसे नहीं बोलते प्लेन कपड़े पहन रहे हैं, सादा कपड़े पहनने को प्लेन बोलते हैं। कुछ डिजाइन और फैशन हो तो वो फैशन के लिए फिर न्यू, फ्रेश, डिफरेंट, अनकॉमन बोलते नहीं, क्या शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हो, बढ़िया, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ, फ्रेश लाओ, जो मार्केट में नए आए हुए। तो न्यू, फ्रेश, डिफरेंट, अनकॉमन का मतलब होता है नोवेल। ठीक है, और अगर बासा, पुराना, सादा, सिंपल, उसके लिए ओल्ड, ट्राइट, प्लेन, सिंपल और अनकॉमन वर्ड यूज होता है। ठीक है, कुछ जैसे मान लो आप बोलो कि भाई खाने में क्या खाओगे आज, ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं वही यूजुअल, वही जो खाते रहते हैं। ठीक है, सब्जी रोटी खाएंगे, आलू वो यूजुअली, ठीक है, आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे। यूजुअल का मतलब कॉमन, प्लेन, जो सादा सी चीजें हैं। अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब कुछ अलग, कुछ डिफरेंट खाएंगे, बाजार जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ अलग खाएंगे आज। ठीक है, ये वाला पनीर, ये फलाना ढिकाना वाला, ये पनीर ढिकाना, ये वो, ठीक है, कुछ डिफरेंट खाएंगे, अनयूजुअल। साउथ इंडियन खाना है, इडली डोसा खाएंगे, ठीक है, इडली डोसा। और यूजुअल का मतलब जो घर का सादा खाना है वो खा रहे हो। तो यूजुअल का अनयूजुअल, कॉमन का अनकॉमन, डिफरेंट है तो उसका प्लेन और सिंपल, ये अपोजिट है। ठीक है, फ्रेश का मतलब नया नया, ट्राइट का मतलब वही बासा पुराना, ओल्ड का न्यू। ठीक है, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मैं ला रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको। ठीक है, कुछ कुछ इनोवेटिव हो, इनोवेटिव,
ठीक है, कुछ इनोवेटिव हो, ठीक है, कुछ इनोवेटिव हो या फिर इन्वेंटिव हो, इन्वेंटिव, इनोवेटिव या इन्वेंटिव का मतलब होता है कुछ नया, ठीक है, कुछ नया। जैसे नहीं बोलते कि ये सादा खाना खा खा के पक गए हैं, कुछ अलग बनाते हैं आज, ठीक है, कुछ अलग, कोई अलग ही डिश बनाते हैं, कोई अलग ही कुछ, मतलब जापानी खाना खाते हैं, ठीक है, चाइनीज खाते हैं, तो उसके लिए इनोवेटिव या इन्वेंटिव, ठीक है, कुछ नई डिश। कई बार क्या होता है कि कई लोग घर में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब पता चला पालक पराठे की जगह पे कुछ और डाल दिया, ठीक है, मतलब चलता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है, तो परांठे कई तरीके के बनते हैं, 40-50 तरीके के, तो उसे बोलते हैं इन्वेंटिव, अपनी और सोच को बढ़ाना, कुछ नया करने की कोशिश करना, ठीक है। लोग अधिकतर धंधे में समोसे के ठेले लगा लेते हैं, पानी पूरी, ऑटो चलाने लगते हैं, लेकिन आप कुछ नया धंधा करो, ठीक है, ठीक है, तो कोई नया धंधा करोगे तो इन्वेंटिव या इनोवेटिव होगा। और पुराने जो धंधे हैं, दुकान खोल लेना, कपड़े बेचने लगना, ठीक है, टैक्सी चलाने लगना, बस चलाने लगना, ये सब जो पुराने धंधे हैं वो अनकॉमन हैं, दे आर एंशियंट, दे आर एंशियंट, एंशियंट का मतलब पुराने, जो चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नया करोगे तो उसके लिए ये सारे वर्ड यूज करोगे, ठीक है, ये सारे वर्ड यूज करोगे। अब जैसे एक वर्ड होता है ऑर्डिनरी, एक वर्ड होता है ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल या प्लेन, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि आप मेरे इस दोस्त से मिलना, ठीक है, ये दोस्त बड़ा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी माने सामान्य लोगों जैसा है, कई बार पॉजिटिव में, कोई भी, ये भी पॉजिटिव में यूज हो जाता है, ये भी, ठीक है, कई बार आप बोलोगे कि ये मेरे दो, और कई बार कोई पागल सा आदमी होगा तो उसको बोलोगे व्हाट एन अनऑर्डिनरी मैन, अजीब सा अगर कोई आपको आदमी मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, अनऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, अनऑर्डिनरी का मतलब असामान्य, अजीब हरकतें करने वाला, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कई जगह पे तेरवी वगैरह में क्या होता है, नाचते हैं कई लोग देशों में, तो तेरवी वगैरह होती है, या फिर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको जो भी उसकी फ्यूनरल करते हैं, ठीक है, अंतिम क्रिया करते हैं, तो हमारे यहाँ पे शोक मनाया जाता है, कई जगह पे नाचा जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि इससे आदमी को खुशी मिलेगी जिसको हम फ्यूनरल में जा रहे हैं, जिसकी अंतिम क्रिया करने, तो वो जो है ना वो हमारे लिए अनऑर्डिनरी है, वहां के लोगों के लिए ऑर्डिनरी है, तो हम ऑर्डिनरी क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, ठीक है, अंतिम क्रिया करने का, लेकिन अगर यहाँ पे ये ना अंतिम क्रिया में जो हम शोक वो करते हैं तेरवी वगैरह, ठीक है, वो ना करके डीजे बजा के नाचने लगे तो वो अनऑर्डिनरी हो जाएगा। अनऑर्डिनरी का मतलब अनकॉमन, अनयूजुअल, इनोवेटिव, ठीक है, कुछ डिफरेंट, फ्रेश, न्यू, ठीक है, कुछ अलग करो, ठीक है। जैसे पुरानी घिसी पिटी बातों को छोड़ो, पुरानी घिसी पिटी बातों के लिए पता है कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, पुरानी घिसी पिटी बातों की अगर आप बात बोलो तो ट्रेडिशनल, जो चला आ रहा है ट्रेडिशन में, जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में चला आ रहा है, ठीक है, जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल, 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 ठीक है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जो हमारे एंशियंट लोग हैं, एंशियंट लोग हैं, जो हमारे एंशियंट का मतलब पुराने लोग, दादाजी, परदादाजी, वो जो नियम बना गए कि दिवाली में क्या करना है भाई, दिवाली में मतलब ऐसे दिवाली मनाओ, ठीक है। अधिकतर लोग दिवाली में क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़िया और वगैरह, ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब अगर आप दिवाली पे रात में डीजे बजा के नाचने लगो दिवाली पे, तो इसका मतलब आप ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल नहीं हो, आप जो रीति रिवाज, जो हमारे यहाँ पे स्थापित रीति रिवाज है, उनसे हटके जा रहे हो। अगर आप उनसे हटके जाओगे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, तो इसका मतलब आप न्यू, कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है। सेंटेंस में पता चलता है कि ये किस तरीके से पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। अब जैसे मान लो कि बोलते हैं कि भाई जैसे कोई बार्बर है, नाई, तो उसका बेटा जैसे नाई ना बन के वो एक आईआईटी करके और फिर मतलब समझ रहे हो ना बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए अमेरिका में, तो ही इज इनोवेटिव, इन्वेंटिव, ठीक है। किसान का बेटा किसान ना रह के कुछ अलग कर जाए, ठीक है, एक आईएएस बन जाए, ठीक है, तो डीएम बन जाए, तो उसके लिए इनोवेटिव, इन्वेंटिव, कुछ हटके करना, ठीक है। जो आपका, जो बोलते नहीं कई बार लोग कि हमारी तो कपड़ों की दुकान है, तो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस कपड़ों का है, तो हम वो ट्रेडिशनल बिजनेस में बच्चे भी हमारे कपड़े की दुकान पे बैठेंगे और भी क्योंकि हमारा कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कन्वेंशनल में जो सुनार होते हैं, तो सुनारों के यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि उनके प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं, तो होता क्या है कि सुनार का बेटा जो होता है
वो दुकान पे बैठता है, ठीक है, जो जौहरी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कई बार, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब बिजनेस बड़े होते हैं, जब बिजनेस बड़े होते हैं, क्योंकि भले ही आप आईआईटी कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप रहोगे तो एक आदमी के अंडर में ही ना किसी आदमी के। तो आप आईआईटी करके आपको 20-25 लाख का पैकेज मिलेगा, तो आपको 5-6 घंटे काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बच्चों को अपने बिजनेस में पढ़ा लिखा के डालना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब उनका कन्वेंशनल बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, लड़के ने कुछ नया नहीं किया, पापा के बिजनेस को काम करना सीखा और उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल का मतलब पुराने रीति रिवाज, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं नए की, यहां पे बात कर रहे हैं हम नए की, कुछ डिफरेंट की, ठीक है, कुछ डिफरेंट की। जैसे एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, यहां पे मैं लिखे देता हूं, आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। एक वर्ड होता है यहां पे, टिपिकल। टिपिकल, अब ये टिपिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? टिपिकल वर्ड का मतलब होता है ऑर्डिनरी, सामान्य, कॉमन, यूजुअल। टिपिकल का मतलब होता है, टिपिकल का मतलब होता है सामान्य, यूजुअल या कॉमन। जैसे मान लो मैं बोलूं कि भाई आपका पेपर है, अब ऐसा आएगा, अगर मान लो आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आया जैसा पुराने सालों में आता रहा है, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर आता रहा है वैसा ही आपका पेपर आएगा, तो मतलब टिपिकल नॉर्मल पेपर आया। अब पेपर बिल्कुल हटके ही आ जाए, मतलब ग्रामर देने की जगह पे वो लिटरेचर रख दें, शेक्सपियर की पोएम्स को रख दें, तो क्या होगा? फिर वो टिपिकल नहीं रह जाएगा, वो पेपर आपका असामान्य पेपर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो टिपिकल और अटिपिकल में ये डिफरेंस है। इसका मतलब होता है सामान्य, इसका मतलब हटके, एकदम हटके, आपने जैसा ना सोचा हो वैसा हो जाए, ठीक है। अब कोरोना वायरस एक टिपिकल डिजीज नहीं है, टिपिकल डिजीज होती तो अभी तक वैक्सीन बन जाती। जैसे आपने इबोला वायरस सुना होगा, आपने सार्स सुना होगा, आपने स्पेनिश फ्लू सुना होगा, तो इन सब में ना अल्टीमेटली लोगों ने प्रोटीन्स ढूंढ लिए थे, प्रोटीन्स, वैक्सीन, जो प्रोटीन्स थे। अब लेकिन कोरोना वायरस जो है, क्यों लगाते हैं नोवेल कोरोना वायरस, क्यों लगाते हैं? अब आपको समझ आ जाएगा, नोवेल कोरोना वायरस वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि नोवेल का मतलब है नया, बिल्कुल डिफरेंट है ये ना, तो हमें एबोला जैसा इसमें कुछ दिख रहा है, ठीक है, ना हमें सार्स जैसा दिख रहा है, ठीक है, ना हमें स्पेनिश फ्लू। तो जितने भी पहले रोग आए हैं उनकी दवा आसानी से ढूंढ ली गई है, लेकिन इसकी दवा, वैक्सीन माने प्रोटीन ढूंढने में, इसकी दवा ढूंढने में बहुत टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि इट इज वेरी वेरी डिफरेंट, ये बिल्कुल नया है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर इसका प्लेन ट्राइट ओल्ड कॉमन यूजुअल ऑर्डिनरी नहीं है। पुराने जो वायरस थे, जो हमारे मतलब पुराने वायरस, एंशियंट वाला, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, कोई भी नया रोग आता है तो दवा बन जाती है, कोई भी नया रोग आता है दवा बन जाती है, जैसे पोलियो की दवा बन गई, लेकिन इसकी दवा नहीं बन रही है, कोरोना की दवा नहीं, क्योंकि कोरोना एक फ्रेश, एकदम नया वायरस है, डिफरेंट है सारी रोगों से, इसका वायरस न्यू है, अनकॉमन है, किसी से मैच नहीं कर रहा है, अनयूजुअल है, बिल्कुल डिफरेंट है, इनोवेटिव है, इन्वेंटिव है, एकदम नया है, अनऑर्डिनरी है, असामान्य है। अटिपिकल का मतलब बिल्कुल हटके है, तो आपको समझ आ गया ना कि नोवेल कोरोना वायरस इसको क्यों बोलते हैं, आपको समझ आ गया ना, क्योंकि ये टोटल ना, ये ऑफ बीट है, ये जो वायरस है ना वो ऑफ बीट है, ऑफ बीट का मतलब बिल्कुल हटके, ठीक है। अब देखो, कई बार शादियां होती हैं, तो शादियां कैसी होती हैं जनरली, आप बताओ मेरे को, लोग और ये फलाना ढिकाना, इधर से शोर शराबा, उधर से शोर शराबा। अब आजकल जो शादियां हो रही हैं वो ऑफ बीट शादियां हो रही हैं, चार लोग यहां के जुड़े, चार लोग यहां के जुड़े, माला पहना ही ठीक है, कई लोग वीडियो पे शादी कर ले रहे हैं, तो वो ऑफ बीट है, ठीक है, ये अनकॉमन अनयूजुअल हो रहा है। जो भी हम काम आजकल कर रहे हैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, वो हमने कभी नहीं किया इतने लंबे टाइम तक, तो उन सब के लिए ये सारे वर्ड यूज होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं, ठीक है। हम लोगों को 2-4-10 दिन, ठीक है, बोल दिया लू वू लगती थी तो हम लोग थोड़ा रहते थे, लेकिन शाम को सुबह निकलते थे। ये मतलब कोरोना वायरस की वजह से जो जो हमें नया काम करना पड़ रहा है, वो सारे काम के लिए ये वर्ड यूज होगा, नोबेल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल में, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अभी एक चक्रवात आया हुआ है, तो हर साल में एक दो चक्रवात आते हैं। तो ये जो समस्या थी चक्रवात आने की,
वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल थी, तो हमने उससे डील किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई, हमने लोगों को वहां से निकाला, हमने लोगों को वहां से निकाला, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई, ठीक है, और इवैक्यूएशन किया, और फिर वापस अब हम उनको अब आर्थिक मदद भी देने जा रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल है, हमें आइडिया है चक्रवात का, लेकिन ऐसी कोई गंभीर समस्या, अब आसमान से गोले बरसने लगे तो ये भी एक आपदा है, लेकिन वो जो आपदा होगी वो नोवेल होगी, नई होगी। अब हो सकता है सनरेज जो है ना ओजोन लेयर से हमारे शरीर फटने लगे, गामा रेज छोड़ने लगे सन, तो कोई भी ऐसी समस्या जो नई हो, ठीक है, उसके लिए हम नोवेल वर्ड यूज करते हैं। और बात सबसे बड़ी चीज क्या है, ना तो ये ऐसी चीज है कि जो समस्या में यूज करोगे अच्छे के लिए यूज नहीं करोगे, आप समस्या के लिए भी यूज करोगे और अच्छे के लिए भी। जैसे देखो रेड बस, आजकल आप बस घर पे बैठे बुक कर लो, आजकल आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना नहीं है तो आप घर पे मंगा लो, समझ रहे हो, ठीक है, तो होम डिलीवरी हुई, बस की बुकिंग हुई, कार घर पे मंगाना हुआ, तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं ये सारे नोवेल आइडिया हैं, तो अच्छे के लिए भी यूज होगा और बुरे के लिए भी। सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर ने तो बेकार में पढ़ाया है, नहीं नहीं अच्छे के लिए भी यूज होगा और बुरे के लिए भी, इसका मतलब नया है। कई बार चीजें नई अच्छी भी होती हैं, कई बार नई चीजें हमें समस्या भी खड़ी कर देती हैं, ठीक है। कई बार लोग नया बिजनेस डालते हैं तो पता चला लाख रुपए से उसको 50 लाख कर देंगे, तो उनका नोवेल आइडिया जो था बिजनेस का, जो दिमाग था वो बहुत शावर कर गया। कई बार उन्हें घाटा हो जाता तो बोले बहुत खराब आइडिया था, नोवेल एकदम हटके आइडिया था। अब यहां पे आप देखो ये सारे वर्ड भी ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरे रहते हैं, कई बार अच्छे भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, आप बाहर का खाना खा खा के पक गए हो, ठीक है, आपकी डाइट्स जो है ना, ठीक है, आपको नुकसान कर रहा है, आप अनहेल्दी हो रहे हो, तो आप कहोगे कि नहीं मैं तो प्लेन और सिंपल खाना खाऊंगा, मैं हूं तो मैं कहूंगा मैं ऑर्डिनरी लोगों से मिलूंगा, ठीक है, मेरे को हटके लोगों से नहीं मिलना जो पागल लोग हों, मुझे तो ऑर्डिनरी सामान्य लोगों में बैठना पसंद है, मेरे तो दोस्त वगैरह सब ऐसे हैं, ऐसे नहीं एकदम कि पता चला आए और कई लोग एकदम एक्स्ट्रा मजाक कर देते हैं, ठीक है, अजीब अजीब तरीके के मजाक करते हैं, उन्हें नोबेल बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज डिफरेंट हो नई हो उसके लिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। कोरोना वायरस, नोबेल कोरोना वायरस, ठीक है, क्योंकि ये एकदम हटके है इसी वजह से। एक होता है नोबल, एक होता है नोबल, तो ये नोवेल और ये दोनों एकदम डिफरेंट वर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नोबल का मतलब होता है महान, कुलीन, ठीक है, भद्र। एक ऐसा आदमी नोबेल आप किसके लिए लगाओगे, महात्मा बुद्ध के लिए, नोबेल आप किसके लिए लगाओगे, चाणक्य के लिए, नोबेल आप किसके लिए लगाओगे जिसने कुछ बहुत अच्छे काम किए, नेल्सन मंडेला के लिए, नोबेल आप किसके लिए लगाओगे, अंबेडकर जी के लिए, नोबेल आप किसके लिए लगाओगे, गांधी जी के लिए। नोबेल का मतलब होता है महान, कुलीन, या फिर बहुत अच्छी फैमिली का कोई आदमी हो तो उसके लिए भी आप नोबेल वर्ड लगाओगे। तो नोबेल अलग है, इसका मतलब होता है नया या डिफरेंट, इसका मतलब होता है महान। अमिताभ बच्चन इज अ नोबेल एक्टर, अब समझ आ गया, तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, इसको मैं अलग आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लगभग, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।